आज न्यू ईयर है सो मैंने सोचा आज बनाते हैं मटन बिरयानी। सो पैथ वाली मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 4 से 5 प्याज ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स चले चलते कुकिंग की तरफ, जिसके लिए हम 2 स्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे। टेस्ट के लिए हम सरसों का ऑयल भी लेंगे, आप प्योर सरसों के ऑयल में भी बना सकते हो। तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, अब हम इसमें बिरयानी वाला फूल, चक्रफूल भी बोलते हैं इसे, दालचीनी, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, गोल मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे कटा हुआ। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। अब प्याज को सुनहरा करना है। हमारी प्याज सुनहरी हो रही है, तब तक हम टमाटर धुलकर कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये आधा बच गया था तो मैंने वो भी ले लिया। इसे बीच बीच में चलाते जाएं ताकि ये जले नहीं। सो फ्रेंड्स प्याज जो हमारी सुनहरी हो गई है, अब इसके साथ साथ हम मटन भी फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए मटन फ्राई कर लें। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन अच्छे से मिक्स कर दें इसे भी। 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लें। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो मटन लिया था। नमक ऐड कर देंगे 4 चम्मच, 4 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के 1/2 स्पून और डाल देंगे, हल्दी 1 छोटा चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर दें। इसे पानी डाल के हम इसमें 2 से 3 सीटी लगा देंगे। अगर मटन फ्रीज किया हुआ है तो 5 सीटी लगा दें, नहीं तो 2 सीटी में ये हो जाएगा, गल जाएगा अच्छे से। अभी हम इसे नहीं भूनेंगे, गल जाने के बाद भून। सो इसमें 3 सीटी आने दें। सो फ्रेंड जब तक सीटी लग रही है तब तक मैं 1/2 किलो मटन के लिए 1/2 किलो चावल भिगो दे रही हूँ, 2 घंटे के लिए भिगो रही हूँ। अब हम चावल को उबालेंगे पानी में, जिसके लिए नमक डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जिससे चावल खिले खिले रहे एक दूसरे में, कड़ी हरी मिर्च, 1 कटोरी मटर डाल दें ताकि मटर गल जाए। इसे चावल से पहले डालेंगे और उबलने दें। 3 सीटी हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम इसे भून लेंगे। कभी भी कुकर में कुछ भी पकाएं तो सीटी निकलने का वेट करें, अपने मटन चेक कर ले गला कि नहीं। मटन हमारा भुन गया है फ्रेंड्स अच्छे से, देख सकते हैं आप, मटन ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने भिगो दिया था, 4 चावल डाल के अच्छे से उबाल लें जब तक चावल गल नहीं जाते। चावल उबालते समय ध्यान रखें कि चावल ज़्यादा ना गल जाए। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कितना कुक हुआ, अभी ये थोड़ा और पकेगा। ध्यान रहे चावल 90% पका होना चाहिए, 100% नहीं। अगर ये 100% कुक हो गया तो फिर ये अच्छे खिले खिले नहीं रहेंगे। बाकी का 10% जब हमें सीजने के लिए इसे रख देंगे ना तो वो तब कुक हो जाएगा। बस फ्रेंड चावल गल गया, इसे ज़्यादा हम गलाएंगे तो ये टूटने लगेगा। अब हम इसे एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे। इसे छान करके फ्रेंड्स कुकर के ऊपर ही रख दिया है ताकि इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल जाए। अब हम इसमें प्याज लगाएंगे, मसाले के बाद चावल डाल देंगे, पानी में कलर मिक्स करेंगे और इसे इस प्रकार से फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा कलर डालना है। धनिया, अगर इसमें प्याज लाल की है आपने और आपको अच्छी लगती है तो वो डालें। फिर अपनी डाल देंगे चावल, समय 2 से 3 बार दोहराना है। चावल इसीलिए इसे परत वाली बिरयानी कहते हैं। रंग डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, होटल है तो इसमें ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी देता है। ये बचा हुआ चावल भी डाल देंगे लास्ट बार, इसमें रंग और डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया, बिरयानी मसाला। ये मैंने होममेड बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो।
बहुत ही टेस्टी आएगी इससे बिरयानी। हम इसे भी डाल देंगे। किसी साफ कपड़े की हेल्प से इसे इस तरह से ढक दें। आप ढक दो, इसे बस 10 मिनट तक गैस पर रहने देना है, फ्लेम लो होना चाहिए। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम मटर बिरयानी रेडी है, इसे तले हुए प्याज से गार्निश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।